बॉडी वेट डिप्स आपके अपर बॉडी, स्पेशली ट्राइसेप्स और चेस्ट मसल को तेजी से ग्रो और मजबूत करता है। इसे आप पैरेलल बार या फिर डिप्स मशीन पर परफॉर्म करें तो सबसे पहले अपने हाथों को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर फैलाकर पैरेलल बार को पकड़ लें। अपने एल्बो को बॉडी के क्लोज और बैंड करते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे की ओर ले जाएं, जब तक कि आपका अपर आर्म्स ग्राउंड के पैरेलल ना हो जाए। फिर शुरुआती पोजीशन में लौटने के लिए अपने हाथों को सीधा करें। इसी फॉर्म के साथ इसके 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें। डिक्लाइन बेंच बारबल प्रेस, यह एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिससे लोअर चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर मसल टारगेट होता है। इसे करने के लिए सबसे पहले डिक्लाइन बेंच पर लेट जाए और बारबल को शोल्डर की चौड़ाई से थोड़ा वाइड ग्रिप से पकड़ ले। कंट्रोल वेट का सिलेक्ट करते हुए धीरे धीरे बारबल को लोअर चेस्ट की ओर नीचे लेकर आए और फिर बारबल को शुरुआती पोजीशन में ऊपर की ओर प्रेस करें तो लोअर चेस्ट मसल को स्क्वीज करें। आप चाहे तो इसे डंबल से भी कर सकते हैं। इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। मशीन फ्लाई, टारगेट द चेस्ट एंड फ्रंट शोल्डर मसल। इसे परफॉर्म करने के लिए मशीन को सबसे पहले अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बैक के सपोर्ट से मशीन पर बैठ जाए और हैंडल को एक साथ अपने सामने की ओर पकड़ ले। फिर एल्बो को बैंड करते हुए धीरे धीरे हैंडल को साइड की ओर फ्लाई की पोजीशन में ले जाए तो चेस्ट मसल को स्ट्रेच करें और फिर एक साथ हैंडल को शुरुआती पोजीशन में तब तक लेकर आए जब तक कि आपका पूरा हाथ सीधा ना हो जाए। लाइट वेट का इस्तेमाल करते हुए इसके 3 सेट और 12 से 15 रिपीटेशन करें। इंक्लाइन बेंच बारबल प्रेस, यह अपर चेस्ट मसल की एक्सरसाइज है, साथ ही में इससे शोल्डर और ट्राइसेप मसल भी टारगेट होता है। इसे परफॉर्म करने के लिए इंक्लाइन बेंच पर लेट जाए और अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिका ले। लोअर बैक में हल्का सा आर्च मेंटेन करके रखे, फिर बारबल को शोल्डर की चौड़ाई से अधिक वाइड ग्रिप से अपने चेस्ट के ऊपर पकड़ ले। कंट्रोल स्पीड के साथ धीरे धीरे बारबल को अपर चेस्ट की ओर नीचे लेकर आए और फिर तब तक ऊपर की ओर प्रेस करें जब तक कि आपका पूरा हाथ सीधा ना हो जाए। इसके भी आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। स्मिथ मशीन फ्लैट बेंच प्रेस, यह सिमिलरली ट्रेडिशनल बेंच प्रेस की तरह ही है, पर आपको इसमें स्मिथ मशीन का यूज करना है जिससे आप स्टेबिलिटी और कंट्रोल स्पीड का यूज कर पाते हैं। इससे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप मसल टारगेट होता है। इसमें स्मिथ मशीन के बीचों बीच एक फ्लैट बेंच पर लेट जाए और मशीन के बारबल को शोल्डर की चौड़ाई से अधिक वाइड ग्रिप से पकड़ ले। फिर धीरे धीरे बारबल को मिडल चेस्ट की ओर नीचे लेकर आए और फिर चेस्ट मसल को स्क्वीज करते हुए बारबल को शुरुआती पोजीशन में ऊपर की ओर प्रेस करें। आप इसमें बिना किसी के सपोर्ट के हैवी वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। इंक्लाइन बेंच केबल फ्लाई, इसे अपर चेस्ट मसल तेजी से चौड़ा और बड़ा बनता है। इसे करने के लिए क्रॉस केबल मशीन के बीचों बीच एडजस्टेबल बेंच को 45 डिग्री के इंक्लाइन पोजीशन में सेट कर ले और फिर मशीन के हैंडल को दोनों तरफ शोल्डर की हाइट पर सेट करके बेंच पर लेट जाए। फिर हैंडल को एक साथ चेस्ट के ऊपर पकड़ ले और फिर एल्बो को हल्का सा बैंड करते हुए धीरे धीरे हैंडल को साइड की ओर फ्लाई की पोजीशन में ले जाए तो अपर चेस्ट मसल को स्ट्रेच करें और फिर एक साथ हैंडल को ऊपर की ओर प्रेस करें तो चेस्ट मसल को स्क्वीज करें। आप चाहे तो इसे डंबल से भी कर सकते हैं। इसके 3 सेट और 12 से 15 रिपीटेशन करें। डंबल पुलओवर, इससे चेस्ट, लैट्स और ट्राइसेप मसल टारगेट होता है और लोअर चेस्ट के फैट को काफी तेजी से रिड्यूस करता है। वीडियो में दिखाए मुताबिक फ्लैट बेंच पर अपने अपर बैक और शोल्डर के सपोर्ट से लेट जाए और फिर एक डंबल को दोनों हाथों से चेस्ट के ऊपर पकड़ ले। एल्बो को हल्का सा बैंड रखते हुए धीरे धीरे डंबल को सिर के पीछे से नीचे की ओर ले जाए और फिर उसी स्पीड के साथ डंबल को शुरुआती पोजीशन में ऊपर की ओर लेकर आए। इसके 3 सेट और 12 से 15 रिपीटेशन करें। आप चाहे तो लास्ट में पुशअप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके 3 सेट और जितने ज़्यादा हो सके उतने रिपीटेशन करें।